या तो तुम्हारे पास होगी सफलता, तुम्हारे पास या तो क्या होगी सफलता, और या तुम्हारे पास होगा बहाना, एक्सक्यूज। जिनको करना है उनको करना है, जिनको करना है उनको भाई, जो टारगेट है जिसको करना है उसको करना है, और दूसरे लोगों के पास बहाने, मेरी मां बीमार थी इसलिए पढ़ ही नहीं पाया। ऐसा कहने से तुम्हें, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सकती है थोड़ी देर के लिए, रोजगार थोड़ी, मेरे पापा दारू ज्यादा पीते थे इसलिए पढ़ाते ही नहीं थे इसलिए मैं पढ़ ही नहीं पाई, ऐसा कहने से तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सकती है, बस रोजगार थोड़ी। हाँ या ना? हर आदमी की कंडीशन अलग है, हर आदमी के पेरेंट्स अलग टाइप के हैं, हर आदमी की चाहत अलग है। ये तो तुम्हें अपने आप देखना है कि तुम्हारा टारगेट क्या है और तुम्हें अचीव कैसे करना है। हर एक आदमी को रास्ता ढूंढना होता है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या है जिसका समाधान ना हो? मैथ में कोई ऐसा सवाल है जिसका सोल्यूशन ना हो? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ऐसे जहां प्रश्न है वहां उत्तर भी है, जहां समस्या है वहां समाधान भी है। तो हम समाधान को फोकस करें या समस्या को, दिक्कत ही होती है बस। हाँ या ना? नेगेटिव लोगों से सदैव बचना, और तुम्हारे पास बाद में नेट में सफलता होनी चाहिए, बहाना नहीं। सफलता कैसे मिलेगी? रेगुलर क्लास। और तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि ये बहाना वो बहाना, ऐसा हो गया, मम्मी मर गई, फलाना हो गया, ये हो गया, कुछ भी कहो, जो रोजगार तो चाहिए, जब तक तुम जिंदा हो तो मेरे रोजगार चाहिए। हाँ या ना? आप एडजस्ट करो अपने घर की कंडीशंस को, प्रॉब्लम्स को और बाकी चीजों को, वरना तुम्हारे पास बाद में बहाना मिलेगा।